तो वेलकम टू क्रेग जी के ट्रिक्स। क्रेग जी के ट्रिक्स में आप लोगों का स्वागत है। और क्रेग जी के ट्रिक्स के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे दिसंबर के फर्स्ट वीक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस वीडियो को पूरा और बिल्कुल ध्यान से देखना, क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो के PDF का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वैसे तो मैं डेली करंट अफेयर्स के वीडियो अपलोड करता हूँ, तो जो लोग क्रेग जी के ट्रिक्स पे करंट अफेयर्स के वीडियो देखते हैं ये उनके लिए एक रिविजन वीडियो होगा, और जो केवल वीकली ही करंट अफेयर्स देखते हैं ये उनके लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है अब तक का। तो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि आप कागज और पेन लेकर बैठना इस वीडियो को देखने से पहले, और आप जैसे ही प्रश्न आएगा अपना आंसर लगा देना, फिर उसके बाद मैं आंसर बताऊंगा। तो आप देखना, आपका आंसर सही है तो राइट लगाना, गलत है तो रॉन्ग लगाना, और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। इससे ये पता लगेगा कि 2-3 महीने तो छोड़ो, पिछले 7 दिनों की करंट अफेयर्स में हमारी एक्यूरेसी क्या है और हमें कितनी और मेहनत करनी है, वास्तविकता आपको पता लगेगी। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे शुरू करते हैं आज का हमारा नया वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दिसंबर के पहले हफ्ते में जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई है अपॉइंटमेंट्स की, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में ISSF के उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, रणिंदर सिंह को। तो सबसे पहले ISSF की फुल फॉर्म यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनेगी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसमें क्या होता है, एक्चुअली 4 सदस्य होते हैं जिसमें से एक बन गए हैं रणिंदर सिंह, और ये पहले भारतीय हैं जिन्हें ISSF का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। ISSF की बात हुई है तो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है, इसका हेडक्वार्टर है म्यूनिच जर्मनी में। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में NGT ने गंगा नदी के कायाकल्प कार्यों के लिए 3 सदस्य कमेटी का प्रमुख किसे नियुक्त किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, UC ध्यानी को। तो सबसे पहले NGT की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो अभी हाल ही में NGT ने उत्तराखंड हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, नाम क्या है, UC ध्यानी को कायाकल्प कार्यों के लिए, अभी कायाकल्प कार्य क्या होते हैं, मतलब गंगा की सफाई पर नजर रखने के लिए 3 सदस्य कमेटी जो बनाई गई थी उसका प्रमुख इन्हें बनाया गया है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारी सरकार ने गंगा संग्रहालय विकसित करने के लिए एक कार्यशाला भी आयोजित की थी, कहां पे, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एंड्रेस मैनुअल ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैक्सिको। तो एंड्रेस मैनुअल मैक्सिको के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपको वीडियो की स्पीड ज़्यादा तेज लग रही है कि बहुत तेज तेज चल रहा है, तो उसके लिए आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप वीडियो को डेस्कटॉप या लैपटॉप में देख रहे हैं तो आपके पास यहाँ पे नीचे गोल सा बटन है सेटिंग का, वहाँ से जाकर के आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखो नॉर्मली स्पीड जो होगी वीडियो की वो ऐसे चल रही है। अब ये स्पीड अगर आपको ज्यादा लग रही है तो यहाँ पे जाएं ऑप्शन पे, यहाँ आपको स्पीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आप स्पीड को कम कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैंने इस ये कर दिया। एक और प्रश्न बन सकता है कि उस्ताद अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ये सरोद वादक थे, सरोद प्लेयर थे, और 2001 में। तो आप देख रहे होंगे स्पीड कम हो गई, इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं। अचीवमेंट अवार्ड। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस हवाई अड्डे को 100% शिकायत, ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD व CEO नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, AS राजीव। तो मैं आपको बता दूं, AS राजीव पहले इंडियन बैंक में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे, पर अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD CEO बन गए हैं, कौन, AS राजीव। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे नया वित्त सचिव यानी कि फाइनेंस सेक्रेटरी नियुक्त किया गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, AN झा, मतलब अजय नारायण झा। तो AN झा के पहले हमारे वित्त सचिव कौन थे, तो आंसर होगा हसमुख अधिया। तो देखो, सचिव यानी कि सेक्रेटरी की बात हो रही है, तो हाल ही में नवंबर में कुछ नए सचिव बने थे, वो मैं आपको बता देता हूँ। राजस्व सचिव, रेवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने, अजय भूषण पांडे। कोयला मंत्रालय के सचिव कौन बने, सुमाता चौधरी। युवा मामलों के सचिव कौन बने, उपमा चौधरी। पर्यटन सचिव, टूरिज्म सेक्रेटरी कौन बने, योगेंद्र चौधरी। और अब वित्त सचिव, फिनेंस सेक्रेटरी कौन बने, अजय नारायण झा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में यस बैंक ने अतिरिक्त निदेशक यानी कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, TS विजयन को। तो देखो, IRDAI के प्रमुख TS विजयन अब यस बैंक के अतिरिक्त निदेशक बन गए हैं। TS विजयन वैसे LIC के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता दूं, कुछ दिनों पहले यस बैंक के अध्यक्ष, नाम क्या था, अशोक चावला, और स्वतंत्र निदेशक R चंद्रशेखरन ने इस्तीफा दे दिया था। तो आपको याद क्या रखना है, अब निदेशक कौन है, TS विजयन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे IAAF का CEO नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉन रिजॉन। अब IAAF की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसका हेडक्वार्टर है मोनाको में। तो आपको इस प्रश्न से क्या याद रखना है, IAAF का CEO कौन बन गए हैं, जॉन रिजॉन। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में SBI ने अपनी डिजिटल ऐप योनो के लिए किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्वपन्ना बर्मन को। क्या आपको योनो की फुल फॉर्म पता है, यू ओनली नीड वन। इस ऐप को आप बैंकिंग और लाइफस्टाइल दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो ये नवंबर 2017 में लॉन्च की गई थी। अच्छा, यहां से एक और प्रश्न बनता है कि स्वपन्ना बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो आंसर होगा हेप्थेटलन। अब ये हेप्थेटलन कौन सा गेम होता है? वैसे तो देखो, जो अपने डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं उस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया था, पर अभी इतना जान लो, 7 अलग अलग गेम्स के इवेंट होते हैं, उनको मिलाकर के बनता है हेप्थेटलन। तो इस प्रश्न से याद क्या रखना है, SBI की है योनो ऐप, उसके लिए बनाया उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे, स्वप्ना बर्मन, जो कि हेप्थेटलन गेम से संबंध रखती है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे न्यू इंडिया अश्योरेंस का CMD नियुक्त किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अतुल सहाय को। तो अतुल सहाय कौन है? तो ये ओरिएंटल इंश्योरेंस में जनरल मैनेजर हैं और अब बीमा कंपनी न्यू इंडिया अश्योरेंस के CMD बन गए हैं अतुल सहाय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे अब हम बात करेंगे डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस पे। पहला प्रश्न है इसमें, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हैंड इन हैंड संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, चाइना के साथ। अब यहां से दूसरा प्रश्न ये बनेगा कि ये हुआ कहां पर है, तो आंसर होगा चीन के चेंगडू शहर में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वायु अभ्यास शिनयू मैत्री 18 भारत और किस देश के बीच में शुरू हुआ? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, जापान। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि दोनों देश कौन से, भारत और चाइना के जो वायुसेना है उनके बीच ये पहला वायुसैन्य अभ्यास है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ से क्या बनेगा कि ये हुआ कहाँ पर है, तो आगरा के वायुसेना स्टेशन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक्स कोप इंडिया 18 वायुसैन्य अभ्यास जो भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, USA के बीच में। और ये हुआ कहां पर है, तो पश्चिम बंगाल में ये हुआ है। तो देखो, अब तक दिसंबर के पहले सप्ताह में हमने केवल 3 अभ्यास देखे हैं। अब यहां पे मैं सिर्फ केवल आपके लिए नवंबर में हुए मिलिट्री एक्सरसाइज को एक बार रिवाइज करा देता हूं। तो फटाफट से देखते हैं, पहला हमने देखा था नवंबर में धर्म गार्जियन 2018 इंडिया और जापान के बीच में हुआ कहां पे, तो मिजोरम में। उसके बाद सिम्बेक्स 2018 भारत और सिंगापुर के बीच में हुआ, कहां पे हुआ, अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में। तीसरा फिर हमने देखा समुद्र शक्ति 2018 भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ कहां पे, तो इंडोनेशिया के द्वीप सुराबाया में। उसके बाद इंदिरा अभ्यास 2018 इंडिया और रशिया के बीच में हुआ, कहां पे हुआ, यूपी के झांसी में। उसके बाद वज्र प्रहार 2018 इंडिया और USA के बीच में, कहां हुआ, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। उसके बाद कोंकण अभ्यास 2018 किसके बीच में हुआ, भारत और यूके के बीच में, ये समुद्री अभ्यास था तो गोवा में हुआ था। फिर उसके बाद हमने देखी लिए 3 जो दिसंबर में हुए, हैंड इन हैंड हुआ, शिनयू मैत्री 2018 हुआ और एक्स कोप इंडिया 18 जो भारत और USA के बीच में हुआ पश्चिम बंगाल में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना जनवरी 2019 से कौन सा अभ्यास शुरू करेगी? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्रॉपिक्स। अब आप ट्रॉपिक्स की फुल फॉर्म देखो, थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। ये भारतीय नौसेना की प्रमुख एक्सरसाइज है जिसमें इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड भाग लेते हैं। तो अपनी लड़ाकू तैयारियों का परीक्षण करने के लिए ये ट्रॉपिक्स एक्सरसाइज हर साल जनवरी से मार्च तक आयोजित की जाती है। अब हम बात करेंगे अवार्ड्स की, तो इसमें पहला प्रश्न यानी कि 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में किसे पंडित भीमसेन जोशी पुरस्कार 2018 दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंडित केशव गिंडे। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित केशव गिंडे को शास्त्रीय संगीत के लिए प्रतिष्ठित भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 दिया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये जो पुरस्कार है शास्त्रीय संगीत और गायन में महाराष्ट्र सरकार के द्वारा दिया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन स्लोवेनिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है? देखो, वैसे तो ये प्रश्न यहाँ पे नहीं आना चाहिए अवार्ड्स में, ये अपॉइंटमेंट्स का है, अब आ गया तो पढ़ लेते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, एलेंका एरमेंग। तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्लोवेनिया है नाटो का एक मेंबर कंट्री है, तो इस तरह से स्लोवेनिया किसी महिला को सेना प्रमुख बनाने वाला पहला नाटो देश भी बन गया है। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न को। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे ISSF का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अभिनव बिंद्रा को। तो ISSF की फुल फॉर्म मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, क्या थी, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। अब आपको इस सर्वोच्च सम्मान का नाम भी पता होना चाहिए, तो क्या नाम है, ब्लू क्रॉस। तो ये जो ब्लू क्रॉस सम्मान है ये
पाने वाले अभिनव बिंद्रा पहले भारतीय भी बन गए हैं। तो आपको याद रखना है अभिनव बिंद्रा का नाम। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसे फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड से वंचित किया गया है? अब ध्यान देना, यहाँ पे हम अवार्ड दे नहीं रहे हैं बल्कि अवार्ड हमने ले लिया है। किनसे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आंग सान सू की से। तो म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों के मुद्दे से तो आप सब वाकिफ होंगे ही सही, तो उसी को लेकर म्यांमार के नेता आंग सान सू की को दिया गया फ्रीडम ऑफ पेरिस अवार्ड वापस ले लिया गया है। और ये पुरस्कार लौटाने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई है। ये एक प्रतीकात्मक पुरस्कार है। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, इनसे पहले भी कनाडाई नागरिकता और एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा एम्बेसडर ऑफ कॉन्साइस अवार्ड भी वापस ले लिया जा चुका है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने एशियन ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों। तो भारतीय नौसेना कमांडर विजय शर्मा और कप्तान पी राजकुमार ने एशियन ऑफ द ईयर 2018 पुरस्कार जीत लिया है। तो इन्हें यह अवार्ड क्यों दिया गया? तो केरल में बाढ़ आई थी अभी, तो उसमें निस्वार्थ भाव से इन्होंने जो बचाव कार्य चलाया है उसी बहादुरी के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बैलन डी ओर 2018 का खिताब जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, लुका मॉड्रिक ने। तो रियल मैड्रिड के खिलाड़ी और क्रोएशिया के मिडफील्डर लुका मॉड्रिक ने अपने करियर का पहला बैलन डी ओर खिताब जीत लिया है। अब ये बैलन डी ओर खिताब होता क्या है? तो ये बेसिकली गोल्डन बॉल होती है जो फ्रांस फुटबॉल द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक फुटबॉल पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे पीटा हीरो टू एनिमल पुरस्कार दिया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इमरान हुसैन को। अब ये इमरान हुसैन कौन है और ये पीटा क्या है? तो इमरान हुसैन दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं और ये पीटा एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो जानवरों की सुरक्षा और उनके हितों के लिए काम करती है। तो अभी दिल्ली में इमरान हुसैन ने पतंग उड़ाने वाले चाइनीज मांझे पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि पशु पक्षियों को इससे हानि न हो, और उनके इसी महान कार्य के लिए पीटा ने हीरो टू एनिमल का खिताब दिया है। तो नाम याद रखेंगे इमरान हुसैन का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसे IAAF एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दोनों ने। तो केन्या के मैराथन और विश्व रिकॉर्ड धारक एलियुड किपचोगे और कोलंबिया की लॉन्ग जंपर कैटरीन इबर गुएन ने IAAF एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है। अब देखो IAAF फिर से आ गया, जो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 में भी बता चुका हूँ, एक बार फिर देख लो। इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट फेडरेशन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मोनाको में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे दक्षिण के साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान के लिए चुना गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जी वेंकट सुब्बिया। तो अभी हाल ही में साहित्य अकादमी ने 248 भाषाओं में 2018 के लिए अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी, जिसमें जी वेंकट सुब्बिया को दक्षिण के साहित्य अकादमी के भाषा सम्मान के सम्मानित किया गया है। मैं आपको बता दूं, इसके अलावा और भी लोग हैं जिनके नाम की लिस्ट मैंने 7 दिसंबर को जो मैंने वीडियो अपलोड किया था डेली करंट अफेयर्स का, उसमें दे चुका हूं। उस वीडियो से आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करेंगे हम दिसंबर के पहले सप्ताह में जो इंपॉर्टेंट डेज रहे थे, तो उसमें हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 1 दिसंबर को। तो HIV एड्स महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, तो इस बार इसकी थीम आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी, क्या है? नो योर स्टेटस। और हर साल 1 दिसंबर को BSF का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है, BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 3 दिसंबर को। तो दिव्यांग लोगों के आत्मसम्मान, लोक कल्याण और सुरक्षा की प्राप्ति के लिए हर साल 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज। इसकी थीम भी है, थीम क्या है? एम्पावरिंग पर्संस विद डिसेबिलिटीज एंड एंश्योरिंग इंक्लूसिवनेस एंड इक्विलिटी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, 2 दिसंबर को हमने विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस और 2 दिसंबर को ही नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे के रूप में मनाया है। तो इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी रखनी है, हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5 दिसंबर को। तो किसानों और आम जनता को मिट्टी के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस बार की थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, बी द सॉइल टू सॉइल पॉल्यूशन। अब यहां से आप एक और चीज याद रखना, 5 दिसंबर को ही हम इंटरनेशनल वॉलेंटियर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4 दिसंबर को। तो 1971 का पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, तो उसमें भारतीय नौसेना ने जो अहम भूमिका निभाई थी उसी के सम्मान में हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है नौसेना दिवस के रूप में। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न हमारे आएंगे पहले से, मतलब कौन क्या कहां पे पहली जो चीजें हुई है वो हम देखेंगे। तो उसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन स्लोवेनिया की पहली महिला सेना प्रमुख बनी है? तो क्वेश्चन पढ़ते समझ गए होंगे, तो हमने ये वाला क्वेश्चन पीछे देख लिया था जो गलती से
टाइप हो गया था, लेकिन देख तो चुके हैं ना, तो फटाफट से इसका आंसर बता दो और आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, एलेंका एरमेंग। डिटेल में हम पीछे देख चुके हैं, आप बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अनाथ बच्चों की तस्करी को दास प्रथा मानने वाला पहला देश बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जो छोटे छोटे देश होते हैं उनमें जो गरीब परिवारों के बच्चे होते हैं ना, उन्हें सप्लाई कर दिया जाता है पश्चिमी देशों में, और वहां पे जो बड़े बड़े आदमी होते हैं, जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, वो इन अनाथालयों में अच्छा खासा पैसा दान कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करने लगे हैं, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया अनाथ बच्चों की तस्करी को दास प्रथा मानने वाला पहला देश बन गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में आई एसएसएफ की न्यायाधीश समिति में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पवन सिंह। अब फिर आई एसएसएफ आ गया, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। तो अभी हाल ही में पवन सिंह आई एसएसएफ की न्यायाधीश समिति के 7 सदस्यों में से एक चुने वाले पहले भारतीय बन गए हैं, तो पवन सिंह का नाम आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अल्ट्रा रनिंग में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उल्लास नारायण। अब ये अल्ट्रा रनिंग क्या होती है, तो देखो एक तो होती है नॉर्मल दौड़ और एक है अल्ट्रा रनिंग दौड़, जो कहीं ज्यादा लंबी दूरी की होती है। ये बेसिकली दो तरीके की होती है, एक तो होती है दूरी को लेकर के, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर या उससे कहीं ज्यादा दौड़ना है। एक होती है समय को लेकर के, कि आप 6 घंटे में या 12 घंटे में या 24 घंटे में कितना किलोमीटर दौड़ जाओगे। तो अभी हाल ही में ताइवान की राजधानी ताइपे में 2018 इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ अल्ट्रा रनिंग 24 आवर चैंपियनशिप हुई, उसमें उल्लास ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। इन्होंने 24 घंटे में 250 किलोमीटर की दूरी तय की है, और इस तरह से इंटरनेशनल अल्ट्रा रनिंग चैंपियनशिप में कोई भी पदक जीतने वाले, चाहे ब्रॉन्ज हो गया, चाहे सिल्वर हो गया, चाहे गोल्ड हो गया, हम ये नहीं कर रहे हैं कि सिल्वर ही जीता है या गोल्ड ही जीता है, हम कह रहे हैं कोई भी पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं, उल्लास नारायण। तो इनका नाम याद रखना, वैसे तो इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला उत्तर पूर्वी राज्य कौन सा बना है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड। तो आपको पता है, अगर पुलिस को बुलाना है तो 100 डायल करो, एम्बुलेंस को बुलाना है तो 108 डायल करो, फायर ब्रिगेड को बुलाना है तो 101 डायल करो, पर अब नागालैंड ने एकल आपातकालीन नंबर 112, एकल मतलब क्या होता है, एक ही, तो चाहे आपको पुलिस को बुलाना हो, चाहे फायर ब्रिगेड को बुलाना हो, चाहे एम्बुलेंस को बुलाना हो, आप केवल 112 डायल कर दो, आपका काम हो जाएगा। तो वैसे तो अगर मैं आपको बता दूं, देश में पहला राज्य पूछे तो हिमाचल प्रदेश होगा, लेकिन अगर वो स्पेशल पूछे ना उत्तर पूर्व में, तो नागालैंड आपका आंसर हो जाएगा, जिसने ये एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में कौन सी लोक अदालत यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ई भुगतान सुविधा प्राप्त करने वाली देश की पहली बन गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पुणे। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो अब आपको अदालत से संबंधित कोई भी पेमेंट करना हो, जैसे कि कोर्ट की फीस देनी है, जुर्माना भरना है, या कुछ भी कैश पेमेंट नहीं होगा, बस ऑनलाइन पेमेंट करना होगा, और इसके लिए SBI से समझौता किया है पुणे की लोक अदालत ने, और ये ई भुगतान यानी कि ई पेमेंट लागू करने वाली देश की पहली अदालत भी बन गई है पुणे की। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में दुनिया की पहली 3D कार्यशील यानी कि फंक्शन करती हुई ई मोटर बाइक का निर्माण किसने किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा जर्मनी ने। तो 3D प्रिंटर्स का उपयोग करके दुनिया की पहली पूरी तरह से कार्य करने वाली ई मोटर बाइक, जिसका नाम क्या रखा है, नीरा, बनाई है जर्मनी ने, और ये दावा करती है कि ये इस तरह की पहली, दुनिया की पहली ई मोटर बाइक है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, आपको यहाँ पे नाम याद रखना है जर्मनी का। तो क्रेक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सलोम जुरा बिश्विली किस देश की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जॉर्जिया। तो आपको नाम याद रखना है और हम बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करेंगे योजनाओं पे। तो योजना में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने ABPMJAY योजना शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। अब ये ABPMJAY मतलब आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने ABPMJAY योजना शुरू की है। तो आपको नाम याद रखना है जम्मू कश्मीर का, जहां पे शुरू हुई है ABPMJAY योजना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में सरकार ने स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 254। तो अभी हाल ही में स्वच्छ गंगा के राष्ट्रीय मिशन के तहत सरकार ने 24,000 करोड़ की 254 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किन स्थानों को प्रसाद योजना के तहत शामिल किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ई, सभी। तो सबसे पहले आप प्रसाद की फुल फॉर्म देखो, पिलग्रिमेज रिजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, यानी जो भी तीर्थ स्थल है, मंदिर है, उनके विकास के लिए ये योजना है। और मैं आपको बता दूं कि सरकार के पर्यटन मंत्रालय की ये योजना है। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के गंगोत्री और यमुनोत्री, मध्य प्रदेश के अमरकंटक, झारखंड के परसनाथ को देश में तीर्थ यात्रा और विरासत स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्र की जो प्रसाद योजना है उसमें शामिल कर लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए,
हाल ही में किस सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए मुफ्त तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दिल्ली। तो अभी हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के वरिष्ठ नागरिक, और वो भी याद रखना 60 साल से ऊपर वाले, उनके लिए 5 धार्मिक स्थलों के लिए मुफ्त मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस योजना को मंजूरी दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवाह संरक्षण योजना। अब ये गवाह संरक्षण योजना है क्या? तो आपने फिल्मों में देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति किसी के खिलाफ गवाह ही देता है तो सामने वाली जो पार्टी होती है उस गवाह को या उसके परिवार को नुकसान पहुंचाती है, तो बस उसी नुकसान के खतरे से गवाह को बचाने के लिए ये योजना शुरू की गई है या इसका ये मकसद है। तो ये योजना सभी राज्यों में लागू की जाएगी। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स में योजनाओं के बाद अब हम बात करेंगे लिस्टिंग की, कि किस लिस्ट में हमारा क्या स्थान है। तो उसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी अमेरिकाज टॉप 50 वुमेन इन टेक्नोलॉजी नामक सूची में कितने भारतीय हैं? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 4। तो फोर्ब्स ने जारी की है टॉप 50 वुमेन इन टेक्नोलॉजी इन अमेरिका, जिसमें अमेरिका में टेक्नोलॉजी सेक्टर की 50 दिग्गज महिलाओं को रखा गया है और उन 50 में 4 भारतीय मूल की हैं। उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ, पद्मश्री वरियर, कोमल मंगतानी, नेहा नारखेड़े, कामाक्षी शिवराम कृष्णन। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार कुपोषण के मामले में भारत का स्थान क्या है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी कि प्रथम स्थान है हमारा। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया में जितने भी कुपोषण ग्रस्त बच्चे हैं उनका एक तिहाई हिस्सा तो केवल भारत में ही है, जो इसे विश्व में टॉप स्थान दिलाता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कितने मिलियन बच्चे कुपोषित हैं? ये बेसिकली ऊपर वाले प्रश्न में से ही मैंने अलग निकाला है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 46 मिलियन बच्चे। तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में 46 मिलियन बच्चे कुपोषण की वजह से अविकसित हैं, यानी कि कुपोषित हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने अलग से आपको बता दिया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रिक जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स की सबसे अमीर भारतीय सेलिब्रिटी की सूची 2018 में शीर्ष पर कौन है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा सलमान खान, और सलमान खान लगातार 3 साल से इस सूची को टॉप कर रहे हैं। और दूसरे नंबर पे कौन है? तो विराट कोहली, और तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार। आपको बता दूं शाहरुख खान टॉप 10 से बाहर हो गए इस बार। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में भारत कौन से स्थान पर है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 4th स्थान पर। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 में भारत दुनिया में 4th सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक रहा है, और रिपोर्ट का नाम याद रखना ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है ये। तो प्रथम पे कौन है? चाइना है 27% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ। दूसरे नंबर पे यूएसए है 15% के साथ। तीसरे नंबर पे है यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ 10% के साथ। और चौथे नंबर पे है भारत 7% कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ। इस रिपोर्ट में तो यहाँ तक ये भी बताया गया है कि भारत में 2018 में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन 6.3 तक बढ़ने की उम्मीद है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी आर्टन कैपिटल की रिपोर्ट के अनुसार किस देश के पासपोर्ट को सबसे शक्तिशाली माना गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूएई का, यूनाइटेड अरब अमीरात का। अब पासपोर्ट शक्तिशाली से क्या मतलब है? तो देखो, आपके पास है पासपोर्ट और आप बिना वीजा के कितने देशों की यात्रा कर सकते हो, ये बताता है आपके पासपोर्ट की ताकत को, पासपोर्ट के पावरफुल होने को। तो इस लिस्ट में बताया गया है कि अगर आपके पास यूएई का पासपोर्ट है तो आप 167 देशों में बिना वीजा के जा सकते हो। हाँ, वो बात अलग है कि इनमें से कुछ देशों में आपको जाने के बाद वीजा लेना पड़ेगा और कुछ में आपको वीजा की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, बिना वीजा के जा सकते हो, जा तो सकते हो, ठीक है। तो पहले नंबर पे है यूएई का पासपोर्ट, दूसरे नंबर पे है सिंगापुर का, और तीसरे नंबर पे है जर्मनी का। भारत कितने नंबर पे है? 140वें नंबर पे है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे अब लिस्टिंग के बाद हम बात करेंगे स्पोर्ट्स पे, खेल कूद से संबंधित क्या न्यूज रही है दिसंबर के पहले सप्ताह में। उसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2018 का खिताब जीता है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मैग्नस कार्लसन, नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। अब यहां से दो और प्रश्न बनेंगे कि ये चैंपियनशिप हुई कहां पर है और मैग्नस कार्लसन ने किसे हराया है। तो ये चैंपियनशिप लंदन में आयोजित हुई है और इसमें नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने अमेरिका के फैबियानो कारुआनो को हराया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खिलाड़ी ने पुर्तगाल ओपन टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मानव ठक्कर ने। तो नाम याद रखेंगे मानव ठक्कर का, जिन्होंने पुर्तगाल ओपन टेबल टेनिस खिताब जीत लिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा मोटर सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2018 कहां आयोजित हुई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, यूपी। तो अभी हाल ही में टाटा मोटर्स सर्विस नेशनल चैंपियनशिप यूपी के गोंडा में आयोजित हुई है। आपको बता दूं ये एक कुश्ती चैंपियनशिप है और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 57 किलो वर्ग में विनेश फोगाट ने राष्ट्रीय खिताब जीता है, तो 62 किलो वर्ग में साक्षी मलिक विनर रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
तो क्रेग जिकेड्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुणे इंटरनेशनल मैराथन जीती है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, इथोपिया के अटलाविम डेबेबे। तो अभी हाल ही में इथोपिया के अटलाविम डेबेबे ने 2 घंटे 17 मिनट 17 सेकंड का समय निकालकर पुणे अंतरराष्ट्रीय मैराथन जीत ली है। और वहीं अगर बात करें महिलाओं की, तो केन्या की पास्कलिया विजेता रही है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में IAAF के अनुसार 2023 वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा? मेजबानी मतलब होस्ट कौन करेगा? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, बुडापेस्ट। तो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। और IAAF के बारे में पहले आपको बता चुका हूँ, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन। तो IAAF ने घोषणा की है कि 2023 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियन को हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होस्ट करेगा। अच्छा, तो क्या आपको पता है 2019 के और 2021 के वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कौन होस्ट करेगा? तो मैं आपको बता दूं, 2019 तो कतर की राजधानी दोहा में और 2021 ओरेगन देश के यूजिन शहर में, और अब 2023 हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट होस्ट करेगा। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न से इतनी जानकारी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से सेवानिवृत्ति की घोषणा कर दी है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गौतम गंभीर ने। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जिकेड्रिक्स में अब खेलकूद के बाद हम बात करेंगे सम्मेलन पे, जो सबमिट इंपॉर्टेंट हुए थे उन पे। इसमें आप पहला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस देश में ब्लू इकोनॉमी सम्मेलन आयोजित किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, केन्या में। तो अभी हाल ही में केन्या में सस्टेनेबल ब्लू इकोनॉमी पर पहला वैश्विक सम्मेलन आयोजित किया गया, और इसका उद्देश्य क्या था? समुद्र से रिलेटेड जो संपत्ति है उसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और कैसे अगली पीढ़ी के लिए उपयोगी बनाया जाए। तो आप याद रखेंगे केन्या का नाम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, हाल ही में कहां पे एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन, एशिया पैसिफिक समिट आयोजित की गई? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काठमांडू में। तो अभी हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें वर्तमान समय की चुनौतियों पर मंथन किया गया। और इस बार की इसकी थीम क्या थी? एड्रेसिंग द क्रिटिकल चैलेंजेस ऑफ अवर टाइम, इंटरडिपेंडेंस, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटिंग एंड यूनिवर्सल वैल्यूज। तो आपको ये याद रखना है, काठमांडू में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहां पे जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP24 आयोजित किया गया था? तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको याद रखना। प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, पोलैंड में। तो अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि COP24 काटोवाइस पोलैंड में शुरू हुआ है। कोप मतलब क्या हो गया? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, मतलब पार्टियों का सम्मेलन। और ये हुआ कहां? पोलैंड में, एक जगह है काटोवाइस वहां पे। तो इस प्रश्न को इंपॉर्टेंट मार्क करके याद कर लेना। हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जिकेट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां भालुओं पर सम्मेलन शुरू हुआ था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आगरा में। तो भालू और जो भी दूसरे जानवर है उनकी सही से देखभाल कैसे की जाए, इस पर यह सम्मेलन शुरू हुआ था आगरा में। आपको याद रखना है आगरा में हुआ था। अगला प्रश्न है, हाल ही में जल प्रभाव शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। तो जल से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे किया जा सके, इस पर चर्चा करने के लिए ये जल प्रभाव शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला इंडिया आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया था? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा फिर से ऑप्शन सी, नई दिल्ली। तो आपको रखना है नई दिल्ली में आयोजित किया गया था पहला इंडिया आसियान इनोटेक शिखर सम्मेलन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जिकेट्रिक्स पे सम्मेलनों के बाद अब हम बात करेंगे उद्घाटन पे, कहां कहां पे क्या इनोग्रेट हुआ है। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में किसने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, रामनाथ कोविंद ने। तो अभी हमारे 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने दूसरे अंतर्राष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। अब प्रश्न ये बनेगा कि उद्घाटन किया कहां पे, तो आंसर होगा नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसने CII एग्रोटेक इंडिया 2018 के 13वें संस्करण का उद्घाटन किया है? तो इसमें प्रश्न का सही उत्तर बनेगा ऑप्शन ए, रामनाथ कोविंद। तो अभी हाल ही में हमारे 14वें राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने CII, ये CII मतलब क्या हो गया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, एग्रोटेक इंडिया 2018 का उद्घाटन किया है। तो कृषि क्षेत्र को कैसे बेहतर सुविधाएं प्रदान की जाए उस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, और ये उद्घाटन हुआ कहाँ पे, तो चंडीगढ़ में। और इसकी थीम भी रही थी टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में कहाँ पे 19वां हॉर्नबिल फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नागालैंड में। तो नागालैंड की संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए मनाया जाता है ये हॉर्नबिल फेस्टिवल, और इसका उद्घाटन किसने किया, तो हमारे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने, और ये उसका 19वां संस्करण था। और मैंने आपको बताया था जब हमने डेली करंट अफेयर्स पढ़ी थी कि यहीं पे राजनाथ सिंह ने 112 इंडिया
ये जो एप्लीकेशन है इसमें साउट नाम की सुविधा लॉन्च की थी जो कि महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित थी। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला स्वदेशी फिल्म फेस्टिवल, इंग्लिश में बोले तो इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस फिल्म फेस्टिवल, कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्रश्न का सही उत्तर है उड़ीसा में। तो अगले साल फरवरी में आयोजित होगा, अभी तो केवल घोषणा की गई है। अब इसमें होगा क्या? तो स्वदेशी लोगों और गैर स्वदेशी फिल्म निर्माताओं के द्वारा बनाई गई फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा इसमें। तो आपको याद रखना है कहाँ पे? उड़ीसा में। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट यानी कि वैश्विक कृषि और खाद्य शिखर सम्मेलन 2018 का उद्घाटन कहां पे किया गया? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, झारखंड के रांची में। इसमें इजराइल, मलेशिया सहित 7 देशों ने भाग लिया था और इसका उद्देश्य क्या था? झारखंड के कृषि क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित करना। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य ने पिता कार्यक्रम शुरू किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने पिता कार्यक्रम शुरू किया है। अब ये पिता की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, पीपल्स एम्पावरमेंट एनेबलिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये पिता कार्यक्रम है क्या? तो इस कार्यक्रम के थ्रू उड़ीसा राज्य में जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं उनमें पारदर्शिता लाई जाएगी और उनके बारे में लोगों को जागरूक बनाया जाएगा। तो ये जो है पीता, ये उड़ीसा की अमागांव अमा विकास की एक उपयोजना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में गांधी जाय डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सुषमा स्वराज ने। तो हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज अभी यूएई की यात्रा पर थी और वहीं पे उन्होंने, यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात, और वहीं पे उन्होंने क्या किया, गांधी जाय डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बोगीबेल पुल का उद्घाटन कौन करेंगे? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 25 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोगीबेल पुल का उद्घाटन करेंगे। अब ये पुल किस नदी पे है, ये किनको जोड़ेगा और इसके बारे में और क्या फैक्ट्स हैं? तो मैं आपको बताता हूँ, ये ब्रह्मपुत्र नदी पे बना हुआ है, ये आसाम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ेगा और इसकी लंबाई कितनी है, 4.94 किलोमीटर, ये आप याद रखना, जो इसे भारत का सबसे लंबा रेलवे सड़क पुल बनाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में स्वदेश दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नागालैंड। तो पर्यटन को आकर्षित करने वाली ये योजना है, इसका उद्घाटन किसने किया? तो नागालैंड के सीएम नेफ्यूरियो ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे अब हम बात करेंगे लॉन्चिंग की, कि किसने क्या चीज लॉन्च की है, जिसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ई दृष्टि। तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप ऑन टाइम ट्रेन की रियल टाइम लोकेशन पता कर सकते हैं कि अभी वो कहां पर है, उसके अलावा रिजर्व्ड और अनरिजर्व्ड सीटों का भी जानकारी आप ले सकते हैं। और इस सॉफ्टवेयर को बनाया किसने है? तो CRIS ने, मतलब सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम ने। तो नाम याद रखना ई दृष्टि का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में AIFF ने किसके साथ मिलकर स्कूल स्तर की परियोजनाओं को लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, फीफा के साथ। तो AIFF का मतलब क्या हो गया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। तो AIFF जल्द ही फीफा के साथ मिलकर स्कूल स्तर की परियोजनाओं को लॉन्च करेगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को पीपल्स वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नोमोफोबिया। नोमोफोबिया मतलब, इसका संधि विच्छेद कर दो आपको आंसर पता लग जाएगा, नो मोबाइल फोबिया यानी कि मोबाइल फोन न होने का डर, चिंता। आपका मोबाइल अगर आपके पास नहीं है तो आपको डर लगने लगता है, चिंता होने लगती है, बस ये वही फोबिया है। तो अभी नवंबर में ही याद रखना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने भी अपना वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया था, इसे टॉक्सिक को। तो ऑक्सफोर्ड की बात करेंगे तो टॉक्सिक हो गया और कैम्ब्रिज डिक्शनरी की बात करेंगे तो नोमोफोबिया हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो करेक्ट जीके ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अब ये डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म है क्या? तो देखो, एक नया रूल आया है, अगर आप ड्रोन उड़ाना चाहते हो तो ड्रोन का और उसको उड़ाने वाले का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। तो ये रजिस्ट्रेशन आप डिजिटल स्काई नाम के प्लेटफॉर्म पे करा सकते हो, जिसको लॉन्च किया है किसने, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में हार्ट अटैक रिवाइंड नामक अभियान किसने शुरू किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, फसाई ने। अब फसाई की फुल फॉर्म देखिए, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो ट्रांसफेट के सेवन से होने वाले स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए हार्ट अटैक रिवाइंड अभियान लॉन्च किया गया है। अब ये ट्रांसफेट क्या होता है? तो देखो, डेली करंट अफेयर्स में जब हमने ये टॉपिक पढ़ा था तब मैंने आपको डिटेल में बताया था इसके बारे में। तो अभी याद रखना केवल आप क्या, फसाई ने शुरू किया है ये अभियान हार्ट अटैक रिवाइंड का। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में ICICI सिक्योरिटीज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने किस सुविधा को लॉन्च किया है? तो प्रश्न
प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ई एटीएम। अब ये ई एटीएम है क्या, तो सिंपल सा समझो, अगर आप आईसीआईसीआई के कस्टमर हैं और आप अपने शेयर्स, मतलब ये एक शेयर से रिलेटेड सुविधा है, तो आप अपने शेयर्स बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में बेचते हैं, तो आपका पैसा 30 मिनट के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा। पर याद रखना, ये जो सुविधा है केवल 600 शेयर्स पर ही उपलब्ध है, मतलब जो आप शेयर बेच रहे हो वो इन 600, जो ये लिस्ट दी है इन्होंने 600 शेयर्स की, उसी में से होना चाहिए। उसके अलावा दूसरी कंपनी का आपका शेयर होता है तो आपको इस सुविधा का लाभ नहीं मिलेगा। उसके अलावा एक और कंडीशन रखिए कि एक व्यक्ति एक दिन में 50,000 रुपए तक के ही शेयर बेच सकता है इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जी के ट्रिक्स पे अब हम बात करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चंस पे, यानी कि विविध पे, यानी कि जो भी बचा हुआ पार्ट है, साइंस, डेथ, किसी ने रिजाइन किया है, वो सब इसमें आ जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे भारी, सबसे बड़ा, सबसे शक्तिशाली उपग्रह यानी कि सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, आपको उसका नाम बताना है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, GSAT-11। अच्छा, तो अब इसे लॉन्च कहां से किया गया है, तो फ्रेंच गुयाना के एरियानेस स्पेस रॉकेट से। याद रखना, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जो देश में ब्रॉडबैंड सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाएगी। इसका वजन कितना है, हमने कहा सबसे भारी, तो वजन भी तो पता होना चाहिए, 5854 kg। और याद रखना, इसे बिग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हमने सैटेलाइट का नाम क्या बताया, GSAT-11। आपको GSAT का फुल फॉर्म पता है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का पहला उल्लू महोत्सव कहां पे आयोजित किया गया। वैसे तो देखो, ये वाला पार्ट है ना, पहला उल्लू का महोत्सव, तो हमने जो पहले पढ़े थे ना, वहां ये आना चाहिए था, लेकिन भूल गए तो हमने यहां डाल दिया। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन ए, पुणे। अब इस महोत्सव को मनाने का उद्देश्य क्या है, तो उल्लुओं के बारे में जागरूकता पैदा करना और उल्लुओं को लेकर के जो लोगों में अंधविश्वास फैले हुए हैं उनको खत्म करना। अब इसका आयोजन किया किसने, तो एला फाउंडेशन नाम की एक एनजीओ है, उसने इसका आयोजन किया है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज HW Bush का निधन हो गया है, वे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 41 नंबर के वो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, और उनके बेटे हैं जॉर्ज W. Bush, यानी कि जॉर्ज वॉकर बुश, जिन्हें आप जानते हो, और वो 2001 से 2009 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहे थे। कौन से नंबर के थे, तो 43 नंबर के थे, वो अभी जिंदा है। और ट्रंप की बात करें तो वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति है, ये भी तो पता होना चाहिए, 45 नंबर के राष्ट्रपति हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्लू वाटर्स अहोय नाम की बुक का अनावरण यानी कि उसे रिलीज किसने किया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुनील लामा ने। तो सबसे पहले आप देखो कि इस ब्लू वाटर्स अहोय नाम की बुक को लिखा किसने है, ये आपको पता होना चाहिए, तो पूर्व वाइस एडमिरल अनूप सिंह ने। तो अनूप सिंह का नाम आपको याद रखना है। अब इस बुक में है क्या, तो 2001 से 2010 तक के भारतीय नौसेना के इतिहास के बारे में इस बुक में बताया गया है, और इसे रिलीज किसने किया है, तो नेवल चीफ सुनील लामा ने। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मैडम तुसाद संग्रहालय और किस मंत्रालय के बीच में समझौता हुआ है। तो प्रश्न का सही उत्तर है रेल मंत्रालय। तो बेसिकली पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया गया है। अब इसमें है क्या, अगर आप दिल्ली में स्थित मैडम तुसाद संग्रहालय के साथ साथ राष्ट्रीय रेल संग्रहालय भी देखते हो तो आपको मिलेगा टिकट्स पे बिग डिस्काउंट। तो बेसिकली पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए समझौता है और कुछ भी नहीं है। वे टिकट्स में छूट देंगे तो ज्यादा लोग आएंगे उनको देखने के लिए, तो पर्यटक बढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ मुद्रा स्वैप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, UAE, यूनाइटेड अरब अमीरात। अब ये मुद्रा स्वैप समझौता है क्या, तो देखो भारत और UAE के बीच में जो भी व्यापार होगा उसका भुगतान अब डॉलर में न किया जाएगा बल्कि अपनी अपनी करेंसी में होगा। UAE तो दिरहम में करेगा और हम रुपये में करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली कैपिटल्स। तो अभी हाल ही में IPL क्रिकेट टीम दिल्ली डेयरडेविल्स का नाम बदलकर दिल्ली कैपिटल्स कर दिया गया है। अब मैं आपको बता दूं कि इसके कैप्टन कौन है, दिल्ली डेयरडेविल्स के यानी कि दिल्ली कैपिटल के कैप्टन कौन है, श्रेयस अय्यर, और इसके कोच कौन है, रिकी पोंटिंग है। अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए नीति फोरम की दूसरी बैठक कहां आयोजित की गई। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, असम में। तो पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए बनाई गई थी नीति फोरम और उसकी अभी दूसरी बैठक असम की राजधानी गुवाहाटी में आयोजित की गई है, आपको ये याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किन देशों ने मिलकर एक नया व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, ऑल, यानी कि USA, मेक्सिको, कनाडा। तो अब इन तीनों ने मिलकर के नए व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इस समझौते का नाम क्या है, USMCA, यानी कि USA, मेक्सिको और कनाडा। तो ये अमेरिका मुक्त व्यापार समझौते नाफ्ता की जगह लेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेक जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश ओपेक से अलग होगा। तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, कतर से। तो ओपेक की फुल फॉर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। तो ये संगठन है ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का, या यूं कहूं कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल के प्राइजेस को रेगुलेट करती है। पर अब इससे कतर अलग हो गया है और इस तरह से मैं आपको बता दूं कि ओपेक से अलग होने वाला वो पहला खाड़ी देश यानी कि गल्फ कंट्री बन गया है। अगला प्रश्न क्या है,
हाल ही में निर्मित दूसरी तेजस सुपर फास्ट ट्रेन किन दो शहरों के बीच में चलेगी? तो प्रश्न का सही उत्तर है चेन्नई और मदुरई के बीच में। अच्छा, तो ये तो चेन्नई और मदुरई के बीच में चलेगी, पर जो हमारी पहली वाली तेजस ट्रेन थी वो कहाँ चलती है? तो वो आई थी 2017 में और वो मुंबई और गोवा के बीच में चलती है। और इसका निर्माण कब कहाँ पे हुआ है दूसरी वाली तेजस का? चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में, ये भी आपको याद रखना है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह पे मुख्य अतिथि होंगे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति। तो साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रमाफोसा इस बार हमारे गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगले साल महात्मा गांधी की 150वीं जयंती भी है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्रेग जी के ट्रिक्स पे हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे तेज ट्रेन कौन सी बन गई है? तो प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ट्रेन 18। तो ट्रेन 18 भारत की पहली इंजनलेस ट्रेन भी है जिसका अभी टेस्ट ड्राइव पूरा हुआ है। कहाँ पे? राजस्थान में कोटा से सवाई माधोपुर स्टेशन तक, जिसमें इसने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को पार कर लिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये 200 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने में भी सक्षम है। तो इस तरह से ट्रेन 18 भारत की सबसे तेज ट्रेन बन गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका निर्माण कहाँ हुआ है? तो चेन्नई के इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में। ये प्रश्न एक बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। हमारा अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में कौन सा देश 2019 से किम्बरले प्रोसेस की अध्यक्षता करेगा? तो प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत। तो डायमंड की प्रोसेसिंग से रिलेटेड है ये किम्बरले प्रोसेस, तो जिसकी अध्यक्षता करेगा 2019 से हमारा देश भारत। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में एक्सिस पिटल के सीईओ ने पद से इस्तीफा दे दिया है, आपको उनका नाम बताना है। उनका नाम है ऑप्शन बी, धर्मेश मेहता। तो एक्सिस कैपिटल एक्सिस बैंक की ही एक कंपनी है जिसके सीईओ धर्मेश मेहता ने इस्तीफा दे दिया है। और इसके अलावा सलील पिटाले और चिराग नेगंदी ने संयुक्त प्रबंध निदेशक और सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं ये दोनों। तो हमारे आज के वीडियो की क्विज का प्रश्न है, हाल ही में SBI ने अपनी डिजिटल ऐप योनो के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? आपके ऑप्शन ये रहे, कमेंट बॉक्स वो रहा, जाइए वहां पे अपना आंसर टाइप करिए। अगर आपको इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी याद है तो वो भी आप वहां पे टाइप करिए, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं जब भी आप लिखोगे तब भी आप सीखोगे, लिखोगे तो ज्यादा समय तक चीजें आपको याद रहने वाली है। उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट, ये हमारे दिसंबर के पहले हफ्ते का पहला वीकली वीडियो था। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा होगा तभी हम इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि इसको बनाने में बता दूं बहुत मेहनत लगती है। तो आप इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोगों के लाइक पे ही डिपेंड करेगा कि ये वीडियो कितने लोगों को पसंद आया है। अगर इसका रेस्पॉन्स अच्छा आता है तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे, वरना ये हमारा आखिरी वीडियो होगा। उसके अलावा आप इसे शेयर जरूर करें। फ्रेंड्स, मैं आपसे विनती कर रहा हूं, अपना व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, स्टडी ग्रुप में आप इसे शेयर जरूर करें, जरूर जरूर, प्लीज प्लीज इसे शेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रेक जीके ट्रिक्स।